काम जारी नहीं हो सका उस तरह से जिस तरह से होना चाहिए था। महंगाई के हवाले से भी बहुत सारे कंसर्न्स हैं, पेट्रोल की कीमतें मजीद बढ़ाने की बात हो रही है पहली तारीख से, और क्या अगर पेट्रोल का मजीद बम गिरता है तो महंगाई फिर कहाँ जाएगी, डॉलर पहुंच गया है हाई रेट्स टाइम तक, ये सारे इश्यूज हैं। साथ ही साथ जी एक तरफ ताजर हजरात जो हैं वो बैठे हैं फैज़ाबाद पर धरने के ऐलान के लिए, क्योंकि आज उनकी के मुज़ाकरात FBR से नाकाम हुए। तो ये वो सारे इशूज़ हैं, ये वो सारी इशूज़ हैं जो कि आ रही हैं, और इस पे हुकूमत किस तरह से अलर्ट होकर अब काम करेगी इसके ऊपर जी बात करेंगे। एक तरफ तो ये भी है जी और नाज़रीन, दूसरी तरफ BRT की भी आज मंसूबे में 4,72,00,00,000 रुपए की बेकायदगियों का इंकशाफ हुआ है। सो एक तरफ कल वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने कहा कि FIA को हम भेज रहे हैं कि अब वो प्रॉप करें इंक्वायरीज के बारे में, जो पुराने तामीरात हुई हैं सारी सड़कों की और दीगर प्रोजेक्ट्स की, और आज अपने प्रोजेक्ट्स के प्रोविंशियल गवर्नमेंट के ये बेकायदगियों का इंकशाफ सामने आ रहा है। मैं अपने पैनल की तरफ जाती हूँ जी। सबसे पहले मुझे ज्वाइन कर रहे हैं जी डॉक्टर अख्तर मलिक हैं, वजीर तवनाई पंजाब के, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, उनको खुश आमदेद कहूँगी। बहुत शुक्रिया डॉक्टर अख्तर मलिक साहब फॉर ज्वाइनिंग अस। साथ ही मुझे ज्वाइन करें नवाबजादा इफ्तिखार साहब, MNA है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, उनको भी खुश आमदेद कहूँगी। बहुत शुक्रिया नवाबजादा इफ्तिखार साहब, थैंक यू सो वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। डॉक्टर अख्तर मलिक साहब, सबसे पहले तो आपकी तरफ आती हूँ। हम देख रहे हैं कि आज तैयार कर लिया गया है चेयरमैन नैब की मुदत मुलाजमत में तौसी के मामले का जो ड्राफ्ट है, और वो अब तक के जरा ये बता रहे हैं कि सदारती ऑर्डिनेंस के जरिए चेयरमैन नैब को ये तौसी देने का मामला है, जो कि सदर मुमलिकत को वजीर आजम की मंजूरी के बाद भेज दिया गया है। क्या ऑपोजिशन को इसमें एतमाद में ले लिया गया है, या ये भी ये जो चूंकि ऑर्डिनेंस के थ्रू भेजा जा रहा है तो ये भी पास उसी तरह से हो जाएगा जैसे माजी में भी आप लोगों ने चीजें करा ली पास? ऑर्डिनेंस के जरिए हुआ है, इंप्लीमेंट नहीं हुआ, ये असेंबली ने उसको वेरीफाई नहीं किया। कौन सा ऐसा वो अपॉइंटमेंट हुई है जो बगैर इसके अपोजिशन के या बाकी लोगों के एतमाद में लिए हुए जो कंसर्निंग अथॉरिटीज है उनको लिए बगैर हमने किया होगा? ये सारे लोग उसमें शामिल होते हैं। अभी जो एक जहर है डेड लॉक, आपने देखा होगा कि पिछली हुकूमत में भी इलेक्शन कमीशन के चेयरमैन पे डेड लॉक आया रहा था, वो कितने महीनों तक वो चलता रहा था। अभी भी हम तो कह रहे हैं कि उनको ऑन बोर्ड लेना चाहिए, वो कानून और जाब्ता है, लेकिन फॉर द टाइम भी है अगर फर्ज करें कि उस पर कोई वो नहीं होती, कंसेंसस नहीं होती, तो टेम्परेरी तौर पर भी कोई ना कोई किसी को अपॉइंटमेंट की जा सकती है, और हो सकता है महीनों की हो या उस पर अगर कंसेंसस डेवलप हो जाती है तो परमानेंट भी हो सकती है। तो ऐसा अभी तक कोई फैसला हुआ नहीं है जिस चीज़ का शोर किया जा रहा है। अच्छा, तो आप ये समझते हैं कि अभी तक इस मामले में क्या हुकूमत ने कोई मुजवजा तैयार नहीं किया है, कोई मसवदा अभी तक भेजा नहीं गया है? देखिए, एक आईनी इदारा है, आप उसके सरबराह के बगैर वो चल नहीं सकता, तो उसकी जो जो लीगल ऑप्शंस आपके पास होती है वो हुकूमत या कोई भी हो वो उसको अडॉप्ट करने की कोशिश करता है। तो इसमें जो लीगल ऑप्शंस होंगी उसको अडॉप्ट करने की पूरी कोशिश की जाएगी और लीगली किया जाएगा, कोई इलीगल ना अपॉइंटमेंट होगी ना ही कोई इस तरह का कोई एडवेंचरिज्म होगा, कोई इलीगल अपॉइंटमेंट नहीं होगी। नवाजुद्दीन इफ्तिखार साहब, आपकी तरफ आती हूँ, पीपल्स पार्टी कैसे देख रही है, ऑपोजिशन कैसे देख रही है? चूंकि कल ऑपोजिशन सबसे ज्यादा इस बात पे जोर दे रही थी कि चेयरमैन नैब के हवाले से जो है वो कोई भी एक्सटेंशन के मामले की वजाहत नहीं है आईन कानून में, और अब ये बात सामने आ ही गई है खुल के, तो आप लोग इसको कैसे देख रहे हैं और कैसे टैकल करेंगे अगर ये ऑर्डिनेंस के थ्रू आ जाता है कोई मामला? देखें, ये अपना आईन के उसके मुताबिक अगर ये फॉलो करते हैं तो उसके मुताबिक तो इनका कायद हिजब इख्तलाफ से जो है वो उससे मुशावरत बहुत जरूरी है, मगर जो साबका रिवायत है जिस तरीके से तमाम इन्होंने लेजिस्लेशन को बुलडोज किया है असेंबली के अंदर, और स्पीकर साहब का जो वहां पर रवैया रहता है और जिस तरीके से पार्लियामेंट को चलाया जा रहा है, तो जाहिर सी बात है कि ये अब ऑर्डिनेंस के जरिए उसे वो तौसी देने की कोशिश करेंगे और उसमें कुछ लफ्जों की हेरा फेरी हो सकती है,
कि जितना नई अपॉइंटमेंट या कुछ किसी किस्म का जो भी कानूनी ये अपना वो निकालेंगे, बरस जो भी इकदाम होगा मेरा ख्याल है कि वो आईन और कानून के खिलाफ होगा। हाँ, क्योंकि जाहिर सी बात आप ये देख रहे हैं कि नैब ऑर्डिनेंस को अगर देखा जाए जो कि 1999 की शिक है 6 के तहत चेयरमैन नैब की मुद्दत की तौसी नहीं दी जा सकती, लेकिन इसमें ये आईनी कानूनी जिसको हटा कर ही डेफिनेटली तौर पर कुछ इसमें अमेंडमेंट होगी और उसी के हवाले से ये ऑर्डिनेंस के ऊपर बात जा रही है। लेकिन इस सारे मामले में फवाद चौधरी साहब ने एक बात और कही थी पिछले दिनों खड़े होकर प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि अगले चेयरमैन के बारे में मुशावरत नहीं लेंगे ऑपोजिशन लीडर से, तो डू यू रियली थिंक कि दिस इज फेयर इनफ? देखें, जहां तक ये मुशावरत की बात है वो तो आईन कहता है ना कि आपने मुशावरत करनी है। अगर जो एलिगेशन उस वक्त उन्होंने लगाए कि जी ऑपोजिशन लीडर जो है उसके ऊपर ये एलिगेशन है, ये है, वो है, तो इसलिए हम उनके साथ बात नहीं करेंगे, तो मेरा ख्याल है कि जब प्राइम मिनिस्टर साहब ने हल्फ लेना था उस वक्त भी उनके ऊपर ये बीटीवी वाला केस भी था, हेलीकॉप्टर वाला भी था, बाकी भी थे, तो ये चीजें इसमें नहीं आती। आप मेरा ख्याल जो है जो लग रहा है कि जो जिस तरफ ये लेकर जाएंगे, ये आइन में कोई ऐसी तरमीम लेकर आएंगे कि जी जब तक नई अपॉइंटमेंट नहीं होती कोई इस तरह का रास्ता ये निकालेंगे और फिर उसे ये जवाब बनाकर और फिर इन्होंने मुश्तरका इजलास से बुलडोज करा लेना उसे। सही, ठीक है, मैं आपकी तरफ आती हूँ अख्तर साहब, ये बताएं कि यही वाला स्टेटमेंट जो कि फवाद चौधरी साहब ने तो पहले ही कह दिया था, यानी कि हुकूमत का मौकिफ उन्होंने बता दिया था कि ऑपोजिशन लीडर से नहीं अगले चेयरमैन के बारे में पूछेंगे और इस हवाले से कोई उनसे मुशावरत नहीं की जाएगी, सो अब ये जो चेयरमैन नैब के मामले पर अगर तौसी भी दी जाती है या इसमें अमेंडमेंट भी की जाती है तो हुकूमत का फर्ज नहीं बनता कि ऑपोजिशन को एक टेबल पर मुजाकरात के लिए जमा कर ले? जी बिल्कुल, देखिए जो जमहूरियत है और जो आईन और कानून है उससे कोई बालातर नहीं है। अब जो भी फैसला होगा आईन और कानून के मुताबिक होगा, मैंने पहले अर्ज किया है, क्योंकि कोई एडवेंचरिज्म नहीं होगा। ये फवाद चौधरी साहब का ज्यादा ख्याल हो सकता है, लेकिन फवाद चौधरी साहब भी आईन और कानून के पाबंद हैं, तो इसमें कोई ऐसा मेरे ख्याल है चीज आपको या कौम को ऐसी नहीं देंगे कि जिसपे आपको परेशानी या किसी और आदमी को परेशानी हो। इंशाल्लाह आईन और कानून के मुताबिक जो जो ऑप्शंस लीगली अवेलेबल है उनको अडॉप्ट करेंगे। पहले तो हमारी कोशिश होगी कि कंसेंसस से ये सारी चीजें हो जाए। अगर फर्ज करें कि उसका टेन्योर पूरा हो जाता है और दरमियान में कोई एक पीरियड के लिए लगाना पड़ता है, तो वो जो लीगल ऑप्शंस होंगी उस वजह क्या है? अख्तर साहब, डॉक्टर अख्तर मलिक साहब, ये बताइएगा कि ये वजह क्या है कि हुकूमत इस पे इतना फोर्स कर रही है कि जी इरी को मजीद कंटिन्यू एक्सटेंशन दे दी जाए? क्या इसी वजह से कि जो बार बार ऑपोजिशन, आपको नहीं लगता कि यहाँ पे ऑपोजिशन का जो स्टांस है वो मजबूत होगा इस हवाले से, जो वो हमेशा कहते हैं कि नैब न्याजी गठजोड़ है या फिर चेयरमैन नैब को इस्तेमाल किया जा रहा है बार बार ऑपोजिशन के अगेंस्ट, तो डोंट यू थिंक इस मामले से मजीद इस उनके जो स्टेटमेंट है उसको तकवीत मिलेगी? देखें जी, ये हमारा लगाया हुआ चेयरमैन नहीं था, इन्हीं पार्टियों का था, आज ऑपोजिशन में लीग और पीपल्स पार्टी से लगाया इसमें, तो उस वक्त तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इनके ऑन बोर्ड भी नहीं थी। अगर ये उसको ये कहते हैं कि नैब की गठजोड़ है, तो इनको खुद उस चीज पे अपने गिरफ्तारों में झांकना चाहिए, उन्होंने लगाया क्यों था अगर इनका ये मामला था। दूसरी बात यह है कि मुख्तलिफ नामों पर गौर हो रहा है, कोई है कि ये मौजूदा चेयरमैन साहब को ले आएंगे या कोई और नहीं आ सकता, तो ऐसी कोई लकीर नहीं खींची जा चुकी कि ये यही आएंगे या कोई और नहीं आ सकेगा। मल्टीपल ऑप्शंस हैं, उस पर गौर कर रहे हैं, जिस पे कंसेंसस होगा, जो आईनी तरीका है, जैसे सरबराह मुकर्रर होते हैं अपोजिशन लीडर और जो हाउस कंसेंसस है वही होगा इंशाल्लाह, कोई ऐसी कोई। अच्छा ठीक है, मैं आपकी तरफ आती हूँ नवाज़ इफ्तिखार साहब। अच्छा, दूसरी तरफ ये भी हम देख रहे हैं कि आज वज़ीर आज़म साहब ने सीपैक के हवालों से स्टेटमेंट दिया है कि मंसूबों पर काम की रफ्तार सुस्त होने के हवाले से एतराफ़ कर रहे थे, तो ये बात तो हम सभी काफ़ी टाइम से कह रहे हैं, अपोजिशन हो गए या मीडिया हो गया इस चीज़ को हाईलाइट कर रहा है, आप लोग भी कहते रहे माजी में, नून लीग की जमात भी कहती रही कि जी मंसूबों की रफ्तार कम है, खासतौर पर एहसन इकबाल साहब, चूँकि वो बार बार इस
इस बात की निशानदेही इसलिए भी करते रहे कि चूंकि चेयरमैन जो लगते रहे सीपैक के हवाले से उस पर भी बहुत ज्यादा कॉन्स्पिरेसी आई और चेंजेस होने का जब मामला आया, तो अब ये जो बात खुद वजीर आजम साहब कह रहे हैं और जिस हवाले से वो कह रहे हैं कि जी मजीद अब आगे तेजी से होने चाहिए थे प्रोजेक्ट्स लेकिन नहीं हुए, एक तरफ कोविड की भी बात कर रहे हैं, सो आप लोग इसको कैसे देखते हैं? देखें कि जहां तक सी पैक का है तो मेरे ख्याल है चाइनीज भी इस पर अपने तहफात का इजहार कर चुके हैं कि जिस तरह ये स्लो डाउन किया गया है उसे सी पैक को, तो मुख्तलिफ मीटिंग्स में भी और इनके मिनिस्टर साहबान भी जो लैंग्वेज इस्तेमाल करते रहे हैं सी पैक के सिलसिले में, इससे पहले आप देख लें कि ये जो मुल्तान और सक्कर मोटरवे के बारे में इंक्वायरीज वगैरह का भी कहा गया, इससे पहले अपना मुल्तान मोटरवे पर भी ये चीज़ें सामने आई लाहौर में, तो ये सब चीज़ें तो चाइनीज पहले भी इनसे खुश नहीं थे, उन्हें तहफात थे और आज फिर अपोजिशन तो बार बार ये चीज़ कह रही थी, आज आपने देख लिया कि फिर प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी दबे लफ्जों इसका इकरार किया कि ये स्लो डाउन हुआ है, और इसी तरह आप देख लें कि कराची के जो मंसूबे हैं उन्हें भी सी पैक में शामिल करने के से गुरेजा है फेडरल गवर्नमेंट, तो मेरा ख्याल है कि गवर्नमेंट को चाहिए कि एक हमारा दोस्त मुल्क है जिसने हमारे लिए इतना कुछ किया है, अगर हम उसे भी नाराज कर बैठते हैं तो फिर आगे हमारा किस तरीके से हम चलेंगे, और आज फिर उन्होंने कहा है कि जी हम इंक्वायरीज वगैरह और ये सब चीजें करेंगे, तो जिन बातों पे पहले उन्होंने नाराजगी का इजहार किया, और मेरा ख्याल है मुराद सईद साहब को अपने वो तमाम चीजें वापस लेनी पड़ी और वो इंक्वायरीज वगैरह खत्म करनी पड़ी, आज फिर प्राइम मिनिस्टर साहब ने उसी तरफ एक दफा फिर इशारा किया है, तो मेरा ख्याल है कि कंफ्यूजन है इनके अपने अंदर, कन्फ्यूजन है, आप समझ रहे हैं। अच्छा ठीक है, मैं डॉक्टर अख्तर मलिक साहब की तरफ भी जाती हूँ, फिर मुझे ब्रेक पे भी जाना है। डॉक्टर अख्तर मलिक साहब, अब क्या कन्फ्यूजन है वाकई? क्योंकि अब ये बात तो हम खुद कहते आए सब आप लोगों से, आप लोग इस पे नाराज हो जाते थे, नाला थे इस मामले पे कि जी नहीं ऐसा कुछ नहीं है, सारी चीज़ें ओके जा रही हैं, फिर चाइनीज का के तहफात आए, फिर सी पैक चेयरमैन चेंज करना पड़ा, सो देयर इज अ सीरीज ऑफ इवेंट्स जो के होते रहे इस मामले पे, लेकिन आप लोग नहीं इस बात को अंडरस्टैंड करते। अब वही बात वजीर आजम साहब खुद कह रहे हैं और होता बेशुमार दफा यही है कि जो बातें हम कह रहे होते हैं पहले से, वजीर आजम डिनाइल मोड में होते, गवर्नमेंट डिनाइल मोड में होती है, फिर वजीर आजम साहब खुद एक टाइम आता है उस चीज का कन्फेशन कर रहे होते, तो ये जो सिनारियो है अब वो खुद कह रहे हैं, तो कैसे फिर चीजें होंगी? क्योंकि बार बार ऑपोजिशन आपसे और सबसे सवाल करी थी कि बता दें प्रोजेक्ट्स का कि वो क्यों डिले हो रहे हैं, उनकी वजूहात क्या हैं और काम कब तेजी से शुरू होगा, सो अब जब वजीर आजम साहब कह रहे हैं ये बात, सो क्या होने वाला है फिर अब? रिदा देखें, ये प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो बात की है ना, वो पूरी बात आप भी कर रही हैं, उसको पूरी तरह एक्सप्लेन करें। हाँ। कि उन्होंने कहा है कोरोना की वजह से प्रोजेक्ट्स डिले हुए हैं, मेरे पास एनर्जी का पोर्टफोलियो है पंजाब में, बिल्कुल मैं आपको बता कि जो चाइनीज पिछले हमें मार्च में एक्सपेक्टेड थे 10 ईयर, तो वो अभी तक नहीं पहुंचे हैं, तो पूरे नहीं पहुंचे, आज मुझे चाइनीज आके सीईओ के जो हमारी एक कंपनी है उनके प्रोजेक्ट्स करने थे वो आ जाए 1.5 साल बाद, वो इसमें कोई वो ऐसा कोई मेरा ख्याल है कोई टेक्निकल इशू नहीं है, कोरोना की वजह से आपको पता है पूरी दुनिया जैम हुई है, पाकिस्तान के भी अपने इश्यूज हैं, चाइना के अपने इश्यूज हैं, आज वही मुझे बता रहे थे कि हम किसी को ऐसे अलाउ नहीं करते वहाँ कोई जाए और वहाँ से किसी को अलाउ नहीं करते कि ऐसे यहाँ पे आ जाए, तो उनके SOPs हैं वो कोरोना की वजह से है, बाकी टेक्निकली कोई ऐसा इशू नहीं है जिसकी वजह से हम जैसे सी पैक से बैकआउट हो जाए या उनके जो प्रोजेक्ट्स हैं हम उनको डिले करें। चाइना के तहफात वो हमने दूर कर दिए हैं डॉक्टर साहब, चाइना के तहफात देखें ये सिर्फ पाकिस्तान का इशू नहीं है, पाकिस्तान के साथ चाइना को भी इसकी सी पैक की जरूरत है, पाकिस्तान को जरूरत नहीं है सिर्फ चाइना को भी जरूरत है, तो चाइना भी उतना वरीड है जितना पाकिस्तान वरीड है, तो ये मामला जो है ना ये कोई ऐसी कोई अनहोनी नहीं होने जा रही, तो उसमें इंटरनेशनल ऐसा सिनेरियो डेवलप हो गया जिसकी वजह से ये प्रोजेक्ट्स डिले हुए, मैं समझता हूँ कि ये टाइम के साथ इंशाल्लाह इसको हम बेहतर भी करेंगे और बेहतरी की तरफ जा रहे हैं, मैं आपको खुद बता रहा हूँ कि मेरे एनर्जी के प्रोजेक्ट से जी।
जो हमने लास्ट हमने नवंबर में रखा हुआ था उसका सीओडी, तो इस साल नवंबर में भी शायद ना हो सके क्योंकि चाइना। अच्छा, वो जो नवाब लतीफ इफ्तिखार साहब जो जिस चीज का गिला कर रहे हैं कि सखर मुल्तान वाले मोटरवे की बात हो रही है और ये सारे प्रोजेक्ट जिसकी निशानदेही ऑपोजिशन करती आ रही है, तो उस पर भी ऑपोजिशन को मुतमईन कर देना। बिल्कुल बिल्कुल, देखें ये कोई हमारे कोई जमात के प्रोजेक्ट्स नहीं, ये पाकिस्तान के प्रोजेक्ट्स हैं। हमारा इन पे हक है, उतना अपोजिशन के एक एक बंदे का हक है, बल्कि पाकिस्तान के हर शहरी का हक है। तो इस पे अपडेटेड होना चाहिए और इनको अपडेट करना चाहिए, क्योंकि ये नेशनल असेंबली और नेशनल जो पॉलिटिकल लोग हैं वो इसको ओन करते हैं, तो उनको करना। पंजाब की बात है, पंजाब पे कोई इस तरह का इशू नहीं है कि उस पे क्लैरिटी ना हो, और हमारी जो सी पैक पे हमारी अथॉरिटी बनी हुई है उसकी रेगुलर हमारी मीटिंग्स होती हैं, उनमें इनको रिव्यू किया जाता है कि क्या पोजीशन है, अपडेट ली जाती है, ये हम रेगुलर अपने जाम में तो हम कर रहे हैं। ठीक है, अपडेट किया जा रहा है। मैं मुझे एक ब्रेक की तरफ जाना है जी, कमर्शियल ब्रेक है, मैं आप लोग मेरे साथ ही रहें, मैं इसके बाद वापस आ रही हूँ जी, एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक लेते हैं, उसके बाद वापस आ रहे हैं, स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक नाज़रीन, और गुफ्तगु हो रही है जी साथ ही मेहमानों से, और बात हो रही है जी इस वक्त हम कर रहे हैं आज के मौजूदात, ख़ास तौर पे इस हवाले से भी बात करेंगे कि ईवीएम की मुखालफत पे आज सेंटर फैसल जावेद कह रहे थे कि हमेशा वही ईवीएम की मुखालफत कर रहे हैं जो धांधली से जीत कर आते हैं, अपोजिशन को टारगेट कर रहे थे। तो मैं चली जाती हूँ ज़रा नवाबजादा इफ्तिखार साहब की तरफ पहले इस मामले पर। नवाबजादा इफ्तिखार साहब, आज हुकूमत ये भी कहती हुई नज़र आ रही थी कि आप लोग ईवीएम के मामले की मुखालफत बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, कौमी असेंबली के फ्लोर पे भी हमने देखा बहुत शोर शराबा हुआ, इस पे बेतहाशा बहस भी हुई, आखिरकार क्या इसका सदबाब आप लोग कर रहे हैं ईवीएम के मामले पे, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन इस्तेमाल तो होनी है। फवाद चौधरी साहब भी कह चुके हैं कि इस दफा तो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से ही नए इलेक्शंस होंगे, उसके बगैर पॉसिबल नहीं है, जब तक इलेक्टोरल रिफॉर्म्स ना आए हम इन इलेक्शंस को कंडक्ट करा लें। जहाँ तक ये इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की बात है जी, नवाज़ुद्दीन इफ्तिखार साहब किया था, और असेंबली के अंदर उस वक्त एक वो कमेटी भी बनाई गई थी जी, और उन मशीनों का आज तक हमें नहीं पता कि वो उस कमेटी का फिर ना इजलास हुआ और ना उसके बारे में कोई रिपोर्ट असेंबली में पेश की गई। लेकिन जहां तक मुझे पता है और जहां तक शिबली फराज साहब बता रहे थे खड़े होकर ईसीपी में भी कि ऑपोजिशन को तो हमने टेस्ट कराया है, उनको हमने डेमो दिया है। नहीं देखें, उसमें जो असेंबली में जो मसला हुआ वो ये था कि पहले स्पीकर साहब ने एक तमाम पार्टी की जो चीफ व्हिप थे लीडरशिप उन्हें बुलाया, उनके साथ बैठ के, गवर्नमेंट पार्टी भी थी, ये चीज डिसाइड हुई कि एक कमेटी बनाई जाएगी जो इसके ऊपर गौर करेगी और सारी चीजों को देखकर एक मुश्तरका वो लेकर कानून लेकर आएगी। मगर एकदम 24 घंटे नहीं गुजरे थे कि एकदम गवर्नमेंट ने कल उसे एजेंडे में शामिल करके और उन्होंने ये डाल दिया कि जनाब ये हम मुश्तरका इजलास में लेकर जाएंगे, क्योंकि वहां पर उनकी अद्दी अक्सरियत बनती है और वो उसे बलडोज करके वो करना चाहते हैं। तो हुकूमत ने किसी किस्म की भी जो मुशावरत वाली बात थी ये उनका मुझे नहीं समझ आई किस उसमें उसने क्या को सवाल पे बात की, जब एक चीज कमेटी बनी स्पीकर और स्पीकर साहब की बेबसी भी सबके सामने है। और फिर अगर आप मशीनों का देख लें, आप पिछले दिनों देख लें कि जब वजीर आजम साहब सिंध तशरीफ ले गए थे तो जब इन्हीं मशीनों से कुरानदाजी से उन्होंने वो नाम निकाले तो वही उन्हीं लोगों के नाम निकले थे जो सामने बैठे थे। इससे पहले आपने अब रिसेंटली देखा है कि हाई कोर्ट इस्लामाबाद ने भी एक सुओ मोटो लिया कि वहां भी मशीनों ने जिनके प्लाट निकाले तो वो या सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड या हाजिर सर्विस जजेस थे या दूसरे लोग थे। तो मशीनों पर किस तरह एतवाद किया जाए, जर्मनी वगैरह वो मुल्क जो हमारे से कहीं एडवांस है वो रोल बैक कर चुके हैं इसे।
तो अब हम हमारे जैसा मुल्क किस तरह ये सब कुछ अफोर्ड कर सकता है? सारा कुछ कवानीन है, बात है नीयत की। अगर हमारी नीयत साफ है, हम सही हैं, तो हमें इन चक्रों में पड़ने की जरूरत नहीं है। आरटीएस के बारे में जो कमेटी बनी थी उसकी रिपोर्ट वो करके ये लेकर आए सामने, और हर चीज के लिए अपोजिशन तो तैयार है इनके साथ बैठ के सब मसला करने के लिए। ये ही फिर खुद ही एक चीज करते हैं, उसके बाद खुद ही बैकआउट कर जाते हैं उससे। सही। अच्छा मैं जरा फिर ठीक है चले, मैं हुकूमत की तरफ भी चले जाती हूँ। डॉक्टर अख्तर मलिक साहब, आप आज ये बात हुकूमत की तरफ से आई है, जाहिर सी बात है कि धांधली वाले जो हैं वो ईवीएम की मुखालफत कर रहे हैं, और इससे पहले भी आप लोग मुख्तलिफ औकात में मुख्तलिफ स्पोक पर्सन आपके कहते रहे कि जी ईवीएम के बगैर तो इस दफ़ा हम कंडक्ट नहीं कराएंगे इलेक्शन। लेकिन अब जो बात अपोजिशन की है, जो कमेटी बनाई गई, जो असेंबली में हो रहा है, जो सारी चीज़ें हमारे सामने हैं और जिस चीज़ों पे उनको तहफ़ुज़ात है, फिर आपके कुछ अपने लोग भी और बड़े करीबी लोग आपके, मैं आपको ये डॉक्टर अख्तर मलिक साहब ये भी यहाँ बता दूं कि वो इस चीज़ की मुखालफत कर रहे हैं कि ईवीएम पे इलेक्शंस नहीं होने चाहिए। देखिए जी, कोई भी सिस्टम पूरा नहीं होता, उसको बेहतरी की है। तो इसमें जस्टिस बनाई गई है, मुझे उसके बारे में ज्यादा इलम तो नहीं है, लेकिन ईवीएम जो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ पहली जमात थी जिसने धांधली पे बकायदा हमने धरने दिए, एहतजाज किया, और चार सीटों का इमरान खान ने मुतालबा किया था, उनमें धांधली साबित भी हो गई और दोबारा उन इलेक्शन उन हल्कों में इलेक्शन भी हुए। तो उसी को मद्देनजर रखते हुए इमरान खान साहब और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस बात पर पूरा यकीन रखती है कि इलेक्शन फ्री एंड फेयर होने चाहिए। जिसको कौम मैंडेट दे उसी को अपना कौम को लीड करना चाहिए। ईवीएम जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है, कई मुल्कों में ये इस्तेमाल हो रही है, कोई इनको मजीद बेहतर करने के लिए हम तो चाहते हैं कि इसको बायोमेट्रिक की तरह पे लेकर जाएं, ताकि जो भी है कौम जो जिसको मैंडेट दे, जो हारे वो अपनी हार कबूल करे और जो जीते उसको पता हो कि कौम मेरे साथ खड़ी है। तो इसमें तो बेहतरी की तरफ है, और मैं तो अपोजिशन से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि इस पर बैठ के इनको चीज़ों को बेहतर करें, ताकि ये कोई हमारा आखिरी इलेक्शन नहीं, आगे भी आना है, हमारे बाद भी आने वाले लोगों ने इलेक्शन लड़ने हैं, हमारे बाद भी लोगों ने वहाँ पे वोट डालने और पार्टियों ने आना है। तो इनको प्रॉपर तरीके से एक अगर मौका अल्लाह ताला ने दिया है तो हम इन चीज़ों को बेहतरी की तरफ लेके जाएं, ताकि हम बता सकें कि हमने ये पहला काम किया था। और आप तो जानती हैं कि इमरान खान ने न्यूट्रल अंपायर जो क्रिकेट में इंट्रोड्यूस करवाए थे, वो भी इमरान खान ने करवाए थे। हम तो इस चीज़ पर पूरा यकीन रखते हैं कि जिसको कौम आगे कराए उसको आगे आना चाहिए जी। अच्छा तो आप ये बात तो आपकी है कि जी इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की तरफ जाना चाहिए, क्योंकि ये बात तो तय हुई थी जब आप अपोजिशन में थे और हुकूमत में आए थे कि जी हम आएंगे तो ये चीज़ें लेकर आएंगे, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स हो गए, जुडिशल रिफॉर्म्स हो गए। लेकिन क्या ये जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है जिसके ऊपर सबको एतराज़ात है कि जी ECP भी एतराज़ कर रहा है और अपोजिशन की जमातें भी एतराज़ कर रही है, तो इसके अलावा इलेक्टोरल रिफॉर्म्स में आप नहीं समझते कि इस मशीन को के अंदर जो जिन चीज़ों पर, जिन नकाइस पर जो बात कर रहे हैं अपोजिशन या ECP, उनको अगर दूर करें तो वो ज़्यादा बेहतर होगा, रादर देन इट के जी इस तरह के स्टेटमेंट आना कि जी वो लोग मुखालफत कर रहे हैं और ये हो रहा है, तो उससे बेहतर ये नहीं कि चूंकि शिबली फराज साहब इस वक्त उसकी डेमोस्ट्रेशन की तरफ ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, डेमोज दे रहे हैं हर तरह, तो वो इस चीज़ को ज़्यादा बेहतर तौर से वाजे करें कि वो क्या पॉइंट्स है जिसके ऊपर कंसेंसस बिल्ड नहीं हो रहा है। बिल्कुल, मैं आपकी बात से एग्री करता हूँ। इलेक्शन कमीशन ने एकदम जवाब दे दिया कि जी ये फिजिबल नहीं है। इलेक्शन कमीशन का काम है अपॉर्चुनिटीज को देखना और उनको इम्प्लीमेंट करना। तो इसीलिए तो हम कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन को पार्टी नहीं बनना चाहिए, उसको इलेक्टोरल रिफॉर्म्स में जाना चाहिए। इनको याद होगा कि लास्ट गवर्नमेंट में भी ये इसहाक डार की सरबराही में एक कमेटी बनाई गई थी इलेक्ट्रॉनिक रिफॉर्म के लिए, लेकिन उस पर भी कोई आगे पेशरफ्त ना हो सकी। अब अल्लाह ने मौका दिया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, तो हम तो चाहते हैं कि इलेक्शन कमीशन भी हो, अपोजिशन पार्टीज भी हो, और ऐसी इलेक्ट्रॉनिक रिफॉर्म्स करके जाएं जिसपे किसी को कोई शक शुबा ना हो और बेहतरी की तरफ जाएं। आप देखेंगे 90% पार्टियों ने अदम एतमाद किया था और उस पर फिर ये कमेटी बनी, लेकिन उसका कोई रिजल्ट ना निकल सका, उसका नतीजा ना आया। तो अभी हम चाहते हैं कि अभी टाइम है, पार्टियां बैठे, इलेक्शन कमीशन भी बैठे, उसमें जो जो यहाँ पर लेकूनाज है उनको दूर करें
और एक प्रॉपर सिस्टम लेकर आए जिसपे सबको एतमाद हो और पूरी दुनिया को भी एतमाद हो कि वाकई पाकिस्तान में अगर फ्री और फेयर इलेक्शन देखने हैं तो पाकिस्तान को देखें जाकर। अच्छा। हम तो इस पे बिल्कुल पीछे हटने वाले नहीं और इंशाल्लाह इलेक्टोरल रिफॉर्म्स पे, जुडिशियल रिफॉर्म्स पे हैं, बाकी सारी चीज़ें। अनलकीली ये कोरोना के इश्यूज आए हैं जिसकी वजह से काफ़ी सारे काम चलते हुए रोके और काफ़ी जगहों पे हमें बैठना पड़ा, तो इंशाल्लाह दोबारा चीज़ें बेहतर हो रही हैं, इन्वायरमेंट बेहतर हो रहा है, तो इन पे टाइम है। ये सारी पार्टीज की जिम्मेदारी है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नहीं, तमाम पार्टियों की जिम्मेदारी है, ये मिल बैठकर ऐसा सिस्टम ऐसा राज करवा जाए जिसपे सब मुत्तफिक हो जाए। अच्छा नवाज़ुद्दीन इफ्तिखार साहब, ये बात जो वो कर रहे हैं डॉक्टर अख्तर मलिक साहब, बहुत अच्छी बात कर रहे हैं। क्या आप लोग ऑपोजिशन में होते हुए ये नहीं कर सकते कि आप लोग वो चीज़ें लकुनास, ख़ासतौर पे जो उन्होंने बात की, जो आपको लग रहे हैं कि जी नकाइज है, जहाँ पे समझते हैं आपकी जी बेहतर हो सकती है चीज़ें, उनको कर लें। जो आप कमेटी की बात कर रहे हैं वहाँ सिफारशात दे दें, भाई तहफ़ुज़ात अपने बता दें, लेकिन अब इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग पर ही नहीं जाना, क्या इलेक्ट्रोनल फॉर्म्स ही नहीं चाहिए, या ये मशीन से कोई प्रॉब्लम है ऑपोजिशन को? देखें डॉक्टर साहब ने जो भी फरमाया, मुझे तो उनकी आवाज नहीं आ रही, आपके से पता चला है, तो गुजारिश है डॉक्टर साहब ठीक फरमा रहे होंगे। हाँ। मैं सिर्फ आपको ये हकायक बयान कर रहा हूँ कि कौमी असेंबली के अंदर स्पीकर साहब ने एक कमेटी बनाई। हाँ। जिसमें गवर्नमेंट की तरफ से भी असद उमर साहब और बाकी लोग वहां पर मौजूद थे और अपोजिशन की तमाम जमातों की नुमाइंदगी थी, वहां पर बैठ के ये बात तय हुई और उन्होंने इन्हीं बातों के ऊपर ये जब सारी बातें तय हो गई। अभी पहला इजलास उसका बुलाना था स्पीकर साहब ने कि एकदम कल एजेंडे पे ये बात वो सामने ले आए और उन्होंने इसे रेफर कर दिया अपना ज्वाइंट सेशन के लिए। तो आप ये देखें कि राजनीति ऑपोजिशन साइड पे तो नहीं है, जो भी, अगर मैंने पहले भी अर्ज किया है कि जो भी कंफ्यूजन है वो गवर्नमेंट के अपने अंदर है, अगर वो कंफ्यूजन दूर कर लेते हैं और बैठ के मशावत करते हैं, पहले 37 मेरे ख्याल नुकते इलेक्शन कमीशन ने उठाए हैं इतराजात, अगर वो सारे बैठ के उसके ऊपर डिस्कस होता है और तहफात जो है दूर होते हैं, तो मेरे ख्याल है किसी को इतराज नहीं होगा। मगर बात यह है कि पहले अपना ये माइंड बनाए कि ये इन्होंने करना क्या है। अच्छा ठीक है, सही है, ये माइंड बनाए ताकि करना है क्या है और बात ठीक ही होगी उन्होंने। चलिए मैं, मुझे वाइंड अप भी करना, वाइंड अप की तरफ भी जाना है, लेकिन मैं पूछ लूँ जरा डॉक्टर अख्तर मलिक साहब, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ अवामी मसला, महंगाई बेकाबू, डॉलर तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुँच गया है आज फिर, और पेट्रोल के भी बता रहे हैं कि कल से हुकूमत पैसे बढ़ा रही है, क्या होगा फिर? मृदा मैं नवाबजादा साहब हमारे हमसाय भी हैं, मेरा मुल्तान डिस्ट्रिक्ट से ताल्लुक है, जी, मुजफ्फरगढ़ से, बड़े बड़े सोबर आदमी। हाँ जी। इनको चाहिए असेंबली में एक दिन फिक्स करें, इस पे बहस करें। हाँ। असेंबली में जा और बहस करें और हाँ। एक दिन फिक्स करवाएं उनसे, स्पीकर से बैठ के अपनी चीजें उनसे जो तहफात हैं और असेंबली में भी डिस्कस करें, ताकि कौम को भी पता चलना चाहिए कि ये क्यों जो एक बेहतरी की तरफ अगर कदम उठाना चाहते हैं तो क्यों के साथ चलना नहीं चाहते। हाँ। दूसरी बात ये जो आपने महंगाई की बात की है, ये इंटरनेशनल इशू है, पूरी दुनिया में महंगाई है, पूरी दुनिया इसकी तरफ गई है और पाकिस्तान भी जाहिर है दुनिया का हिस्सा है, हमें इस पे कोई एतराफ करते हुए कोई शर्मिंदगी नहीं हो रही कि गवर्नेंस के इश्यूज हैं, क्योंकि कोरोना की वजह से काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स थे, अभी भी हैं और मजीद हम उनसे बचने की कोशिश कर रहे हैं। और महंगाई देखें आप, जो जो कंस्ट्रक्शन की इंडस्ट्री है उसमें जो रेट पे दो साल पहले थे वो आज वो नहीं है, आप RLNG का देखें, पिछले साल $2-2.5 पे सौदे हो रहे थे तो आज $26 पे हो रहे हैं, आपके जो कैनुला और ये जो ऑयल इंपोर्ट होता है बाहर से उसके जो इंटरनेशनल प्राइसेस बढ़ी हैं, तो उसका इम्पैक्ट एक आया है पाकिस्तान पर, लेकिन पाकिस्तान ने हुकूमत ने आप देखें कि जिम्मेदारों की हालत को बेहतर करने की कोशिश की है, आपकी जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री बेहतर की है, आपकी एक्सपोर्ट्स बेहतर की हैं, आपका ट्रेड डेफिसिट पिछले जो माली साल था हम उसको $1 बिलियन पर लेकर आए थे, जो चीज़ें हुकूमत कर सकती थी उनको करने की पहले उन्होंने कोशिश की है, मजीद भी कर रहे हैं, लेकिन महंगाई का इशू है और जो आम आदमी है वो मैं बिलाशुबा तंग है,
उसकी मुश्किलात का हुकूमत को अंदाजा भी है और इंशाल्लाह उसके लिए अभी जो हमारे एहसास प्रोग्राम है, हमारा हेल्थ इंश्योरेंस का प्रोग्राम है, दूसरी तरफ से हम उनको कंपनसेट करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं और इंशाल्लाह आप देखेंगे दिसंबर में पंजाब में, पूरे पंजाब में आपको हेल्थ कार्ड मिलेगा। आपको ये जो एहसास प्रोग्राम का सर्वे है वो तकरीबन पूरे पंजाब में मुकम्मल होने वाला है, लोगों को घरों में बैठे हुए ये पैसे मिलेंगे। इसके अलावा जो चीज़ें किसानों की बेहतरी के लिए कर रहे हैं, किसान कार्ड हम दे रहे हैं, ये चीज़ें हैं जो हम उसका अल्टरनेट सोल्यूशन दे रहे हैं उसका लोगों को, इम्पैक्ट नजर आए आम आवाम पे। सही कह रहे हैं आप नवाज़ इफ्तिखार साहब, बस 30 सेकंड्स है मेरे साथ पास, इसमें वाइंड अप कर दीजिएगा। हुकूमत जो सारी चीज़ें बता रही है, राशन कार्ड महंगाई के हवाले से, सेहत कार्ड जी, किसानों को कार्ड, ये सारी चीज़ें होने जा रही हैं, ऐसा ऐसा करेंगे। कोविड था, पूरी दुनिया में महंगाई आई, वो कह रहे हैं, डू अग्री? देखिए ये तकरीबन 3 साल से हुकूमत की तरफ से यही दावे और ये सारी चीजें आ रही हैं। अल्लाह करे जिस तरह डॉक्टर साहब फरमा रहे हैं, अल्लाह करे कि ऐसा ही हो, हमारी दुआएं इनके साथ हैं, अल्लाह करे कि ये सब कुछ करने में कामयाब हों और लोगों को 1,001 अरब नौकरियां भी, करोड़ नौकरियां जो वादे हैं वो मिल जाए, 50 लाख घर भी मिल जाए उन्हें, बाकी उनके मामला भी सारे सारे ठीक हो जाए। हमारे हम तो दुआ कर सकते हैं इनके लिए। बात फिर वही है कि ये अपनी जो इनकी मिसमैनेजमेंट है, जो अपनी इनके गवर्नमेंट की नाइलियाँ हैं, उन्हें ये चेक करें कि गवर्नमेंट के अंदर जिस तरीके से अरबों के घपले हो रहे हैं और बाकी चीजें सारी, तो उन चीजों को ये चेक करें। तो हमारे तो हम तो चाहते हैं कि अल्लाह करे ये सब चीजें आगे। अपोजिशन इस मामले पे अवामी इशू पर साथ है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर अख्तर मलिक साहब आपका, नवाबजादा इफ्तिखार साहब आपका, दोनों मौजूद मेहमानों का बेहद शुक्रिया जी। हुकूमत और अपोजिशन इस बात पे तो मुत्तफिक है कि अवाम का सबसे दरीना और बुनियादी और अव्वल मसला महंगाई, इसको हर तौर से दुरुस्त भी होना चाहिए और उसके लिए इकदाम भी उठाने चाहिए और ये खत्म भी होना चाहिए। बहरहाल जी, हफ्ते के रोज का आखिरी शो होता है, इसी के साथ जी अपनी मेजबान दस एफी को दीजिए इजाजत। पाकिस्तान जिंदाबाद।